नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का मंत्री बनने के बाद पहली बार जनपद चंपावत पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। जिले के जगबुड़ा पुल पर बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मला मेहरा की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है भारत सरकार में काम करने की, मेरा पहली बार मंत्री बनने के बाद टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, चंपावत और पिथौरागढ़ होते हुए लिपू लेक तक मुझे जाना है, आदि कैलाश तक। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और सौभाग्य से जो विभाग मुझे दिया है तो दिल्ली से लेकर लिपू लेक तक मैं भारत सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी की इन 10 सालों में बनी मोटर मार्ग, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उसी रोड में आ रहा हूँ। चलिए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, राजधानी में गर्मी से राहत। बड़ी खबर, अहम जानकारी, गर्जना के साथ हुई झमाझम बारिश, 40 पार पहुंचा पारा, गिरा नीचे। बारिश होने से लोगों ने ली राहत की सांस। इस वक्त बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में गर्मी से लोगों को मिली राहत, 40 पार पहुंचा पारा, गिरा नीचे। बारिश होने से लोगों ने ली राहत की सांस। बड़ा अपडेट, लोगों को गर्मी से मिली राहत, गर्जना के साथ हुई झमाझम बारिश, 40 पार पहुंचा पारा, गिरा नीचे। बारिश होने से लोगों ने ली राहत की सांस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में उतर गए हैं और मंगलोर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए काजी निजामुद्दीन ने नामांकन किए जाने के से पहले एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद समेत कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेस से नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बीजेपी मंगलोर उपचुनाव में बुरी तरह हारेगी और साथ ही मंगलोर क्षेत्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया था, इस बार भी मंगलोर की जनता कांग्रेस को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजेगी। उपचुनाव को लेकर मैदान में सभी दल, तस्वीरें मंगलोर से हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने किया कार्यक्रम आयोजित, पार्टी के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी ने किया कार्यक्रम आयोजित, मंगलोर की तस्वीरें हैं, काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद नजर आ रहे हैं और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। उपचुनाव को लेकर मैदान में उतरे सभी दल, पार्टी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। उपचुनाव को लेकर मैदान में सभी दल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने किया कार्यक्रम आयोजित, मंगलोर की तस्वीरें हैं, पार्टी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए, काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यक्रम आयोजित किया, पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिजल्ट आपने देखा होगा, उस रिजल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं, बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन
से चुनाव नहीं लड़े जाते, चुनाव जनता के प्यार से आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं, हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चुका भाई और लोकदल से आया है, बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, जिन्होंने 50 साल से दरियां बिछाई बीजेपी आरएसएस और जनसंघ के लिए, जिनने काम किया वो तो कहीं है ही नहीं। बडाना को लेके आ गए हरियाणा में विधायक थे लोकदल से, और तो बीजेपी का कैडर में नाराजी है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े, संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी थी। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने बीजेपी के और गौतम ने दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है, इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध काकड़ी घाट में स्थित स्वामी विवेकानंद के तपस्या स्थलीय में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने उस पेड़ पर जल चढ़ाया जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, और इस दौरान उन्होंने आश्रम में स्थित विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पर तपस्या करके पूरे विश्व को अत्याधुनिक का संदेश दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दौर में आग और पानी पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बनती जा रही है, और साथ ही जिसके लिए सरकार और पूरे प्रदेशवासियों को आगे आकर इस चुनौती के लिए मिलकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई जा रही सड़क मार्गों की भी सराहना की है। और हमारे लिए हमारे फॉरेस्ट का, हमारे वृक्षों का संरक्षण करना सबसे बड़ी बात है। और अगर आप इस साइज को, इस पानी को, इस जल को, इस वृक्ष को और साइंस को मिला दें, और उत्तराखंड की तो स्पेशलिटी यही है देवभूमि, यानी कि डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी। मेरे को लगता है कि डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, जल का, नदियों का, हमारे जंगलों का और हमारे जो वृक्ष हैं, इन सब की पूजा करना तो हर उत्तराखंडी की आत्मा में है। आज अगर आप देखें कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस प्रकार हर एक जगह 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, फॉरेस्ट फायर का भी एक चैलेंज है, ये उत्तराखंड और हर उत्तराखंडी की जिम्मेवारी है कि हम इसका समाधान अपनी डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी से निकलें। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अपने दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल दिल्ली से विशेष विमान से उधम सिंह नगर पतंग नगर पहुंचे, और साथ ही उन्होंने थोड़ी देर विश्राम करने के बाद नैनीताल राजभवन के लिए वो रवाना हुए। महामहिम राज्यपाल के पंत नगर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी गौरव पांडे, पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आर्ट गैलरी की उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए संस्कृति विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वहां पर साफ सफाई का प्रबंध किया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जाए। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उनकी तरफ से आर्ट गैलरी को व्यवस्थित तरीके से निर्देशित दिए गए हैं, और साथ ही अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही।
आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरंतपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये चंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। आम और लीची जैसे गर्मी के फलों के पैकेजिंग के लिए जिला उद्यान विभाग किसानों को पेटियां उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी एमपी शाही ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों ने किसानों से पेटियों की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर ले लिया है, जिनके आधार पर पेटियों के पंजीकृत फर्म से बात करके कम से कम मूल्य पर मोबाइल उद्यान सशक्ति केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इन मोबाइल उद्यान सशक्ति केंद्रों से किसान 50% राज्य सहायता पर पेटियां लेकर आम लीची को पैक करके बाजार में बेच सकते हैं। जो हमारे जो क्षेत्रीय निरीक्षक उद्यान निरीक्षक हैं, उनके द्वारा किसानों से डिमांड ली गई है और डिमांड के आधार पर हमने हमारे वहाँ 3-4 फर्में रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम रेट जिन कंपनियों के हैं उनसे हम लोग बात करके और जो कोरिलेटेड बॉक्स हैं जिसमें पैक करके आम को बेचते हैं, वो हम लोगों ने मोबाइल उद्यान सशक्त केंद्रों पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ से फार्मर्स 50% सहायता पर प्राप्त करके अपने आम लीची को पैक करके मार्केट तक में पहुंचाने का काम कर सकते हैं और उससे उनका आम और लीची सेफ रहेगी और ठीक ढंग से मार्केट में पहुंच जाएगी। अच्छे हम लोगों ने बॉक्स कंपनियों से बनवाए हैं उसको देख। नैनीताल जिले में परिवहन विभाग की ताबड़तोड़, बता दें कि उद्यान विभाग का सराहनीय कार्य देखने को मिला। गर्मी के फल आम और लीची के पैकेजिंग का प्रोसेस जारी है और साथ ही किसानों को पेटियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। देहरादून में जिला उद्यान विभाग का सराहनीय कार्य, आम और लीची के पैकेजिंग का प्रोसेस जारी, किसानों को पेटियां करवाई जा रही उपलब्ध। बता दें कि देहरादून में जिला उद्यान विभाग का सराहनीय कार्य, गर्मी के फल जैसे आम और लीची के पैकेजिंग का प्रोसेस जारी है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड, चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा ना करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धाम में सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है। खासकर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के काम में जुटी है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है और आगामी दिनों में उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जो पद रिक्त पड़े हुए थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और NMO के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। बड़ी मात्रा में ये पद भरे हुए हैं। नैनीताल जिले में पिछले सप्ताह दो बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें रामगढ़ में 5 लोगों की और बेताल घाट में 3 लोगों की मौत हुई और एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। प्रथम दृष्टिता की बात सामने आई है कि पहाड़ों में हादसे होने की वजह गाड़ियों में ओवरलोड और 8 सीटर गाड़ियों में 16 से 17 लोग बैठाकर ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। RTO संदीप सैनी का कहना है कि पहाड़ों में ओवरलोडिंग और छत पर कैरियर होने की वजह से जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। ओवरलोडिंग रोकने के लिए टीमें बनाई गई हैं जो लगातार चेकिंग कर रही हैं और अब तक 50 से ज्यादा गाड़ियों के चालान करने के साथ ही 100 गाड़ियों के छत पर लगे कैरियर भी हटवाए जा रहे हैं और साथ ही भविष्य में ताकि दुर्घटनाओं की संभावना से बचा जा सके। इसमें दुर्घटना रोकने के लिए हमारे प्रवर्तन विंग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य कारण जो ओवरलोडिंग जो पाया गया है उसमें ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन के साथ मिलकर हमारे ARTO प्रवर्तन और अन्य दल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं और एक जो कैरियर में जो सामान ले जाते हैं लोग और उसमें कई बार इंटीरियर इलाकों में बैठ भी जाते हैं कैरियर में, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, तो उसमें 100 से ज़्यादा कैरियर हमारी टीम के द्वारा उतारे गए हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि RTA के मानक के अनुसार ही कैरियर लगा जाएं। अल्मोड़ा के बिनसर में हुए भीषण अग्निकांड में गंभीर घायल कृष्ण कुमार की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। कृष्ण कुमार 70% जल चुके थे। प्रदेश सरकार द्वारा एयरलिफ्ट कर 4 घायलों को दिल्ली भेजा गया था। वहीं आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और अब तक अल्मोड़ा जनपद में 10 लोगों के जान जंगल की आग बुझाने के दौरान हो चुकी है। बुल्लावाला स्थित HP गैस गोदाम से 105 सिलेंडर चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गैस गोदाम की देखभाल करने वाला ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। HP गैस एजेंसी बुल्लावाला के प्रबंधक शहबाज अली ने कोतवाली में शिकायत देकर गोदाम से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बुल्लावाला स्थित गैस गोदाम पर
जियाद निवासी मुस्लिम बस्ती बुल्लावाला की भूमिका संदिग्ध लगने पर कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने सिलेंडर चोरी कराना स्वीकार कर लिया और बताया कि आरोपी ही गैस गोदाम में आने जाने वाले सिलेंडरों का हिसाब किताब रखता था। और सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने बताया कि आरोपी जियाद और साथी नरेंद्र कुमार गोपाल निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आरोपियों के पास से 64 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें से 35 कमर्शियल और 29 घरेलू सिलेंडर हैं। जी, डोईवाला थाने के पास बुल्लावाला में एक एचपी का गैस गोदाम है, जिसमें सिलेंडरों में गैस और वो सब गैस सप्लाई होती है। तो एक जब चोरी की सूचना मिली कि 105 सिलेंडर जो है गोदाम से चोरी हो गए हैं, तो फिर वो हमने उसमें मुकदमा दर्ज किया और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये झूठी सूचना थी। जो उसमें स्टोर कीपर था वही 2 महीने से सिलेंडरों में हेर फेर कर रहा था और अकाउंट में अचानक से गड़बड़ी हो जाने के कारण उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया। फिर इन्वेस्टिगेशन में जब थोड़ा सा और पूछताछ की गई और चीजों का पता लगा तो 2 लोगों का नाम सामने आया। एक तो जो स्टोर कीपर जियाद है और उसके साथ में नरेंद्र कुमार और गोपाल, जो कि केशवपुरी बस्ती के रहने वाले हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के सभी अभियुक्तों को पकड़ने में दून पुलिस को कामयाबी मिली है, जिनमें पूरी वारदात के सूत्राधार अंकुश भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इसको लेकर रायपुर के सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि रायपुर गोलीकांड में रवि बडोला की मौत हो गई थी और अन्य 2 लोग घायल हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य 4 लोगों में से 1 को राजस्थान से और 2 को हरिद्वार से एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया, जबकि तशरीफ में मास्टरमाइंड अंकुश का नाम सामने आया है और जिसने बदमाशों को फोन पर उन पर होने वाले हमले की सूचना दी। ये जो रायपुर में गोलीकांड हुआ था, इसमें रवि बडोला जी की मृत्यु हो गई थी और बाकी 2 अन्य लोग घायल हैं। इसी में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को पहले ही पकड़ लिया था और जो 4 बदमाश किस्म के लोग थे उनको भी 1 को राजस्थान से और 2 को हरिद्वार से एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मास्टरमाइंड था वो अंकुश निकल के आया, जो कि शिवलोक कॉलोनी रायपुर देहरादून का ही रहने वाला है। इसी ने ये पूरी घटना की साजिश रची। जब ये रात में इनसे बाहर मिलने आया, जो कि रवि बडोला जी और उनके साथी रोड पर खड़े थे, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।